मानसिक टेंशन व हार्ट अटैक सहित विभिन्न बीमारी होने के कारण डीजे सहित प्रेशर हॉर्न को बैन किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शादी ब्याह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों में जोर से डीजे बजाने पर ध्वनि विस्तार यंत्रों को बैन किए जाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर एवं एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से आजकल डीजे संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से डीजे को जो साउंड की लिमिट से बाहर है उसे जाकर बेतहाशा वॉल्यूम में डीजे बजाया जाता है, जिससे लोगों में हार्ट अटैक सहित विभिन्न बीमारियाँ जन्म ले रही है, जो असमय मृत्यु का कारण भी बन रही है। वहीं सड़कों पर तेज प्रेशर हॉर्न उनको भी बंद किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के सदस्यों ने की है। हालत ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के एक प्रमुख मंत्री ने विधानसभा में इस बात को कहा कि छत्तीसगढ़ में ये जो हमारा शहरी क्षेत्र है, विशेषकर दुर्ग भिलाई रायपुर, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ पूरे देश में होती हैं। आत्महत्याओं का कारण उनको नहीं मालूम है, लेकिन आत्महत्याएँ हो रही हैं, ये उन्होंने बकायदा प्रमाण के साथ बताया है। तनाव बढ़ता चला जा रहा है, टेंशन इतने ज़्यादा है, प्रदूषण के कारण जो ध्वनि प्रदूषण है ये तनाव बढ़ा रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तनाव में आते हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ये तो एक पहलू है। छोटे बच्चे हैं, घरों की स्थितियाँ ये हैं कि जब डीजे बजता है तो उसमें जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं वो अपने आप उसके बास और ट्रेबल के कारण बजने लगती हैं, कांच टूट जाते हैं, हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए हमने हाई कोर्ट में एक आदेश हुआ, उस आदेश के तहत एक जो निर्धारित पैमाना तय किया गया है उस पैमाने में जिला कलेक्टर और एसपी को पर्सनल एक बॉन्ड भरना पड़ा, जिसके तहत उनके ऊपर जवाबदारी ये दी गई है कि उनको किसी भी कीमत पर 40-60 डेसिबल से ज़्यादा साउंड में पूरे शहर में कहीं भी डीजे जैसे धुमाल जैसे जो यंत्र हैं इनको बजने नहीं देना है। और ये जो प्रेशर हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न के लिए विशेष रूप से आदेश किया गया है कि किसी भी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग अचानक बजाते हैं जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब समस्याएँ, इसको लेकर के हमने आज मुख्यमंत्री, कलेक्टर और जिले हमने शहर के एसपी को ज्ञापन दिया है, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।